बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। सिर्फ 3 बार ये पी लें, 65 साल की उम्र में 25 साल के जवान जैसी तवानाई और फुर्ती आप में भर जाएगी, थकावट और कमजोरी सब खत्म हो जाएगी। ये नुस्खा बढ़ती हुई उम्र की वजह से होने वाली नकाहत, काम में दिल न लगना, जिस्मानी कमजोरी, थकान, इन सब अमराज को बिल्कुल ठीक कर देगा और आपके जिस्म में तवानाई और फुर्ती को भर देगा। इस नुस्खे को बनाने का तरीका यह है कि आप एक प्याली लें और इसमें 5 अखरोट की गिरियां डालें। अखरोट तोड़कर इसकी गिरियां इसमें ऐड करें। दिल से लेकर दिमाग तक अखरोट हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, जोड़ों के दर्द और जहनी तनाव को खत्म करता है। फिर आधे छोटे चम्मच के बराबर इसमें किशमिश डालें। किशमिश में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फाइबर जैसे कीमती अज्जा मौजूद होते हैं, जिस्मानी कमजोरी को ये खत्म करती है। आधा चम्मच इसमें मिश्री डाल दें। इस नुस्खे में हम चीनी यूज नहीं करेंगे, धागे वाली मिश्री यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद होती है। फिर आप इन अज्जा को ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लें। हल्की आंच पर पैन चूल्हे पर रखें और इसमें एक प्याला दूध डाल दें। आप चाहें तो एक गिलास भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी एक गिलास दूध। फिर अखरोट, किशमिश और मिश्री को जो हमने ग्राइंड करके पाउडर बनाया था वो इसमें डालें और मिक्स कर लें और उबाल आने तक पकाएं। दूध को अच्छी तरह पकाएं। आपने खालिस कच्चा दूध लेना है। ये देखें, उबाल आ गया है। जब 2 से 3 उबाल आ जाएं तो आप चूल्हा बंद कर दें और इस दूध को ग्लास, कप या प्याले में निकाल लें। ये देखें, हमारा आज का जबरदस्त नुस्खा तैयार है। आप ये दूध नाश्ते के आधे घंटे बाद पी लें। 3 दिन तक मुसलसल ये नुस्खा यूज करने से आपकी जिस्मानी कमजोरी बहुत हद तक कम हो जाएगी। 3 दिन तक मुसलसल यूज करने के बाद आप हफ्ते में 2 बार ये यूज किया करें, यानी 2 दिन छोड़कर फिर इसको पिया करें। आपके दिल और दिमाग बेहद सेहतमंद रहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।